कलेक्शन ठेका निरस्त करने का प्रस्ताव नगर निगम के सदन में बहुमत के अभाव में गिर गया। भाजपा पार्षद दल ने ये कहते हुए प्रस्ताव वापस कर दिया कि ठेका यदि निरस्त किया गया तो नगर निगम का स्वास्थ्य विभाग अपने संसाधनों से कचरा कलेक्शन नहीं करा पाएगा। नगर निगम की साधारण सभा की बैठक में स्वास्थ्य प्रभारी अमरीश मिश्रा ने डोर टू डोर कचरा कलेक्शन ठेका निरस्त करने का प्रस्ताव रखा और बताया कि ठेका नियमानुसार संचालित नहीं किया जा रहा है। लगभग सभी वार्डों से शिकायतें आ रही हैं। नगर निगम को ठेकेदार कंपनी एसएल ग्रुप को प्रतिदिन डीजल और वाहन उपलब्ध कराना पड़ते हैं। शहर की जनता इस व्यवस्था से नाराज है। डोर टू डोर कचरा कलेक्शन का 53 करोड़ रुपए जनता पर बाकी है। जनता टैक्स नहीं चुका रही है। अव्यवस्थाओं को देखते हुए ठेका निरस्त कर नगर निगम अपने संसाधनों से कार्य कराएगा। निगम के पास पर्याप्त संसाधन है। डोर टू डोर कचरा कलेक्शन व्यवस्था को बेहतर किया जाएगा। वहीं नेता प्रतिपक्ष कमलेश अग्रवाल सहित सभी भाजपा पार्षदों ने प्रस्ताव पर असहमति जताते हुए प्रस्ताव गिरा दिया। बहुमत के अभाव में इस बैठक का सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव गिर गया। सत्ता पक्ष को संख्या बल के आगे बेबस होना पड़ा। एक्सेल कंपनी निश्चित रूप से जैसे उसको जबलपुर हमारे शहर ने विश्वास व्यक्त करके उसको ये काम दिया था उस पर 100% खरी नहीं उतरी है, पर एकदम से व्यवस्था बदलना इसको देखते हुए कुछ समय देने के लिए पार्षदों ने कहा है। अगर उस बीच में वो नहीं करेगा तो निश्चित रूप से उसको टर्मिनेट करेंगे। इसके साथ ही शहर में लगे अवैध यूनि पोलों को लेकर एक बार फिर सदन में हंगामा मच गया और विपक्ष की मांग पर अवैध यूनि पोल और होर्डिंग्स हटाने के आदेश आसंदी से जारी हुए। साथ ही होर्डिंग्स एवं यूनि पोल एजेंसियों पर बकाया राशि सख्ती से वसूले जाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किया गया। क्योंकि आपने देखा होगा कि जबलपुर में जिस प्रकार से यूनि पोल लगाए गए, निश्चित रूप से आने वाले समय में कोई ना कोई यदि दुर्घटना होती है तो काफ़ी उसकी जनहानि हो सकती है, मगर उसके बाद भी वो मान नहीं रहे। आपने देखा होगा कि सड़कों के बीच में बिल्कुल जहाँ से ट्रैफिक जाता है वहाँ पे इन्होंने यूनिपोल लगा दिए, सब्जी मंडी में लगा दिए, मेन मार्केट में लगा दिए। हमारे समझ में नहीं आ रहा कि यूनिपोल वाले कर क्या रहे हैं। और लगातार इस बात का विरोध किया जा रहा था। हमने कमेटी बनवाई थी नगर निगम में अध्यक्ष जी के माध्यम से, उस कमेटी की रिपोर्ट आज सदर पटल पर पेश नहीं की गई। अगले 15 दिन बाद वो रिपोर्ट पेश की जाएगी। हम चाहते हैं कि यूनिपोल वहाँ से अलग हो ताकि हमारे शहर में एक सुंदरता भी बढ़े। यूनिपोल का मामला आया जिसमें ये पहले ये तय किया गया था, एक कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी ने क्या निर्णय दिया है उस विषय पे भी चर्चा हुई और ये निर्णय लिया गया कि जो गलत लगे हैं उन्हें निकाला जाए और जो एजेंसी है उसके ऊपर कार्रवाई की जाए, ऐसा महापौर जी ने निर्देश दिए हैं। और हम लोगों ने काफ़ी हद तक वो रिपोर्ट तैयार कर ली है और 15 दिवस के भीतर उस रिपोर्ट को सदन के अंदर प्रस्तुत कर दिया जाएगा और जो भी उसमें वैधानिक कार्रवाई होगी वो वैधानिक कार्रवाई उसमें आवश्यक रूप से होगी। पारित हुए प्रस्तावों में ग्वारी घाट का नाम गौरी घाट करने एवं तिलवारा घाट गांधी स्मारक में 75 मीटर ऊँचा राष्ट्रीय ध्वज लगाए जाने का प्रस्ताव शामिल रहा। पदोन्नति, वेतन विसंगति दूर करने एवं नायब तहसीलदार को भी राजपत्रित अधिकारी का दर्जा दिए जाने की मांग लेकर प्रदेश भर के राजस्व अधिकारी आंदोलित हैं। जबलपुर में संगठन के सदस्यों ने काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। राजस्व अधिकारी संघ के सदस्यों ने हाथों में काली पट्टी बांधकर प्रदेश सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के नाम लिखा पत्र अपर कलेक्टर मीशा सिंह को सौंपा है, जिसमें मांग की गई है कि वेतन विसंगतियां दूर की जाएं, पदोन्नति दी जाए और नायब तहसीलदार को भी राजपत्रित अधिकारी का दर्जा प्रदान किया जाए। ज्ञापन सौंपा है। मुख्य मांग ये है पदोन्नति संबंधी, जैसे अन्य विभागों में कार्यवाहक पद पर पदोन्नति दी जा रही है लेकिन तहसीलदार और नायब तहसीलदार को अभी तक पदोन्नति आदेश जारी नहीं हुए। दूसरा मुद्दा ये है कि पदोन्नति आदेश ये जो हैं
हमारे शासन से जारी होना चाहिए, ना कि जिला स्तर से, जीएडी से तहसीलदार के जारी हों और नायब तहसीलदार के भी शासन स्तर से जारी हों। अन्य मुद्दा है वेतन मान विसंगति से संबंधित, इसमें नायब तहसीलदार को 3600 ग्रेड पे का वेतन दिया जा रहा है जो कि अत्यंत कम है, उनके साथ के सारे लोगों को 4200 या 5400 का ग्रेड पे दे दिया गया है। और तीसरा मुद्दा है नायब तहसीलदार को भी राजपत्रित अधिकारी का दर्जा दिया जाए, ये कार्यपालिक मजिस्ट्रेट हैं, सारे काम करते हैं, इनको भी राजपत्रित अधिकारी का दर्जा दिया जाए। इसमें भी हम लोगों का जो तय किया कार्यक्रम है कि हम लोग आगामी 3 दिन सोमवार से 3 दिन तक अवकाश पर रहेंगे, जिसमें समस्त वाहन हम लोग शासकीय वाहन का उपयोग नहीं करेंगे, जमा करा देंगे, अपने डोंगल आईडी पासवर्ड सब बंद कर देंगे, परीक्षा या अन्य कोई भी जरूरी कार्य हम लोग नहीं करेंगे। अपर कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों को भरोसा दिलाया है कि प्रदेश सरकार को उनकी भावनाओं से अवगत करा दिया जाएगा। इसको हम यहाँ से ज्ञापन को आगामी कार्यवाही के लिए आगे शासन की ओर भी प्रस्तुत। प्रभाव का तो देखिए अभी इनसे बातचीत करते हैं, क्योंकि शासकीय कर्मचारी होने के नाते बहुत सारे कार्य हमारे इससे जुड़े हुए रहते हैं, लेकिन हमें पूरी आशा है कि संघ पुनः हम यहाँ पर आके जो इनके सारे कार्य हैं, जितने भी लंबित कार्य हैं, उसको अपना सुचारू रूप से संचालित करें। राजस्व अधिकारी संघ ने चेतावनी दी है कि मांगें पूरी नहीं हुई तो आगामी दिनों में आंदोलन की तीव्रता बढ़ती जाएगी, जरूरत पड़ी तो सामूहिक अवकाश भी लिया जाएगा। मध्य प्रदेश में इन्फ्लुएंजा H3N2 की एंट्री हो गई है, इसका पहला केस राजधानी भोपाल में मिला है। स्वास्थ्य आयुक्त ने इस संबंध में सभी जिलों के CMHO और सिविल सर्जन को इसकी एडवाइजरी जारी की है। इसके साथ ही जबलपुर, भोपाल और ग्वालियर में इसकी जांच की जाएगी। वहीं अस्पतालों में जरूरी उपकरण, दवाएं और ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश में इन्फ्लुएंजा H3N2 का पहला केस राजधानी भोपाल में मिला है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया। स्वास्थ्य आयुक्त ने सभी जिलों के CMHO और सिविल सर्जन्स को एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी के मुताबिक छोटे बच्चों, गर्भवती महिलाओं, शुगर, हार्ट, लीवर, किडनी और स्वास्थ्य संबंधी रोगियों को H3N2 संक्रमण का खतरा जारी है। इसकी जाँच भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर में की जाएगी। जबलपुर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संजय मिश्रा ने बताया कि जबलपुर जिले की ICMR लैब में नमूनों को जांच के लिए भेजा जाएगा। इसके साथ ही अस्पताल में इलाज के लिए जरूरी उपकरण, ऑक्सीजन की उपलब्धता और दवाओं का इंतजाम सुनिश्चित किया जाएगा। मेडिकल कॉलेज में एक महिला के लक्षण ऐसे लग रहे थे और उसका जाँच के लिए फिर सैंपल भेजा गया था। अभी ये निर्देश है कि सर्दी खांसी बुखार का ये सीजन भी रहता है, तो सामान्य सर्दी खांसी बुखार में केवल इलाज के द्वारा उसे ठीक करना है। यदि बुखार ज़्यादा आ रहा है तो कोविड टेस्ट की सलाह दी जा रही है, और सांस लेने में ज़्यादा तकलीफ़ है, गले में यदि चोकिंग ऐसी लग रही है, तो ऐसी परिस्थिति में फिर H3N2 टेस्ट के लिए एडवाइज़ किया जाना उचित माना जाएगा। देखिए, ये कोविड से भी ज़्यादा घातक वायरस माना जाता है, क्योंकि इसमें सांस के रास्ते का जो संक्रमण है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता है और सांस लेने में तकलीफ बढ़ती है, ऑक्सीजन लेवल कम होता है, तो कोविड के तुलना में ये ज़्यादा घातक है, लेकिन बचाव के तरीके वही हैं जो कोविड वायरस से बचाव के तरीके थे। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की एडवाइजरी और गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन सुनिश्चित किया जाएगा। नव संवत्सर विक्रम संवत 2080 हिंदू नववर्ष की पूर्व संध्या 20 मार्च को सिविक सेंटर में विराट कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाने वाला है। हिंदू उत्सव समिति के सदस्यों ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि इसमें राष्ट्रीय स्तर के कई कवि शामिल होंगे। हिंदू उत्सव समिति के सदस्यों ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि हिंदू नववर्ष प्रारंभ होने की पूर्व संध्या पर सिविक सेंटर भारत माता चौक पर वंदे मातरम अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन 20 मार्च को किया जाने वाला है। कार्यक्रम का मकसद राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ भारत माता की जय के साथ देश प्रेम और राष्ट्रभक्ति की अलख जगाना है। कार्यक्रम में सनातन धर्म का जय घोष सुनाई देगा। डॉक्टर हरिओम पवार जी हमारी संस्कार धानी में पधार रहे हैं, उनके साथ हमारे कवि सुदीप भोला जी, मनवीर मधुर जी, देवेंद्र प्रताप सिंह आप जी और दिनेश देसी जी, ऐसे पंच हमारे पांच कवि हमारी संस्कार धानी में पधार रहे हैं और उसके साथ हम अपना नववर्ष वहां मनाने जा रहे हैं। वहां एक माँ नर्मदा
के ऊपर उत्पत्ति को लेकर एक बहुत ही अच्छा नाट्य मंचन हमारे मंच पर होगा। आयोजकों ने बताया कि इस कवि सम्मेलन में वीर रस के कवि डॉक्टर हरिओम पवार विशेष रूप से शामिल होंगे। चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के बर्खास्त बिशप पीसी सिंह और उसके करीबी राजदार सुरेश जैकब के घरों पर बीते दो दिनों से जारी ईडी की कार्रवाई शुक्रवार को समाप्त हो गई। ईडी की टीम ने बिशप पीसी सिंह और सुरेश जैकब को भोपाल तलब किया है, जहां उनसे और पूछताछ की जाएगी। दो दिनों तक चली कार्रवाई में ईडी की टीम को विदेशों से होने वाली फंडिंग और लेन देन से जुड़े अहम दस्तावेज मिले हैं। चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के बर्खास्त बिशप पीसी सिंह और उनके करीबी सुरेश जैकब को ईडी की टीम ने पूछताछ के लिए भोपाल तलब किया है। शुक्रवार को ईडी की टीम बर्खास्त बिशप पीसी सिंह और उसके करीबी सुरेश जैकब के घर से छापे की कार्रवाई संपन्न कर वापस लौट गई। बुधवार से शुरू हुई इस कार्रवाई और जांच में ईडी को अहम दस्तावेज मिले हैं, जिसकी जांच कर ईडी की टीम विदेशों से हो रही फंडिंग और लेन देन की जानकारी जुटा रही है। सूत्रों की माने तो ईडी की टीम ने शैक्षणिक संस्थाओं के अहम दस्तावेज भी इनके घरों से जब्त किए हैं। वहीं दूसरी ओर ईडी की टीम ने सीएनआई नागपुर के डिप्टी मॉडरेटर भीमराव और यूनाइटेड चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया ट्रस्ट एसोसिएशन के डायरेक्टर संजय सिंह को भी पूछताछ के लिए भोपाल तलब किया है। गोलपुर थाना अंतर्गत मंसूराबाद में रहने वाली एक महिला के खाते से 182,000 रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। पीड़ित महिला की शिकायत के बाद गोलपुर पुलिस साइबर टीम के सहयोग से मामले की पड़ताल कर रही है। गोहलपुर थाना प्रभारी विजय तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि मसूराबाद में रहने वाली हिना तरन्नुम नामक महिला ने बताया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में उसका खाता है। उसके फ़ोन पर पिछले दिनों दो फेक कॉल आए और उसके बाद उसके खाते से 182,944 रुपए कट गए, जबकि उसके द्वारा OTP या अन्य कोई जानकारी किसी से शेयर नहीं की गई। शिकायत को पुलिस ने जाँच में लिया है और साइबर टीम मामले की पड़ताल कर रही है। ये विगत दिनों हिना तरन्नुम नाम की महिला है, वो उनके अकाउंट में मैसेज आया। मैसेज आने के बाद किसी ने कॉल किया, कॉल करने के बाद उनके पेटीएम अकाउंट से पे OTP आने के बाद उन्होंने जब OTP दिया तो उससे धीरे धीरे पैसा डिडक्ट होता रहा और वो ये इस लालच में कि हमें पैसा वापस मिल जाएगा, इस तरीके से वो OTP देती रही और उनके करीब 180,000 के आसपास की रकम जो है वो उनके अकाउंट से डिडक्ट हो गई है। इस पर पुलिस ने 420-34 का मुकदमा दर्ज किया है। जो पेटीएम अकाउंट और मोबाइल नंबर वगैरह मिले हैं उसके आधार पर अग्रिम जांच की जा रही है। पाटन पुलिस ने एक ऐसे वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है जो बुलेट मोटरसाइकिलों की चोरी किया करता था। इनसे पुलिस ने चोरी की 5 बुलेट मोटरसाइकिलें जब्त की हैं, जिनकी कीमत 10 लाख रुपए है। पुलिस के मुताबिक पाटन के चौपारी वार्ड में रहने वाले रमन विश्वकर्मा को पुलिस ने मुखबिर की जानकारी के बाद गिरफ्तार करते हुए उसके घर से चोरी की गई बुलेट मोटरसाइकिल बरामद की। पूछताछ करने पर रमन ने बताया कि वो और उसके अन्य 3 साथियों अंकित ठाकुर, संदीप महतो और राहुल गुप्ता ने विजयनगर और गोहलपुर थाना क्षेत्रों से कुल 5 बुलेट मोटरसाइकिलें चोरी की थीं। रमन की निशानदेही के बाद उसके साथियों को भी गिरफ्तार किया गया और इनसे चोरी की गई 5 बुलेट मोटरसाइकिलें बरामद करते हुए पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। गोरा बाजार थाना क्षेत्र कजरवारा में बीते वर्ष हुई चोरी की एक वारदात का पुलिस ने खुलासा किया है। इस मामले में नई बस्ती कजरवारा में रहने वाले एक संदेही आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के बाद आरोपी से चोरी किए हुए जेवरात, मोबाइल और साउंड बॉक्स बरामद किए गए। गोरा बाजार थाना क्षेत्र के कजरवारा में रहने वाली आशा मोगरे नामक महिला के सूने घर में बीते वर्ष जून माह में चोरी की वारदात घटित हुई थी। इस वारदात का गोरा बाजार पुलिस ने 9 माह के बाद खुलासा किया है। चोरी की इस वारदात को अंजाम देने वाले नई बस्ती कजरवारा निवासी गोविंद झारिया को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गोविंद की निशानदेही पर घर से चोरी किए हुए कुछ जेवरात, मोबाइल और साउंड बॉक्स जब्त किया है। गोविंद ने अपने जीजा सुरेंद्र उर्फ पिंटू चौधरी के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस अब सुरेंद्र उर्फ पिंटू को तलाश कर रही है। पुलिस के मुताबिक गोविंद हाल ही में दुष्कर्म के एक मामले में जेल से जमानत पर छूटा था और अनाप शनाप रुपए खर्च कर रहा था।
पुलिस ने संदेह के आधार पर इसे पकड़ा और पूछताछ की, जिससे इस वारदात का खुलासा हो सका। जब इस संदेही को पकड़ा गया, इसे पकड़ करके पूछताछ की गई, तो उसके पास से जो है उसके कब्जे में रखा गया, उसके हिस्से में जो मिला हुआ जेवरात, सोने चांदी के जेवर, एक मोबाइल ओप्पो कंपनी का और इंटेक्स कंपनी के दो ये साउंड बॉक्स ये मिले हैं। कुल मशरू का जो है 132,448 रुपये का जो है बरामद हुआ है। इसमें एक अन्य आरोपी जो है इसका जीजा सुरेंद्र और पिंटू अभी फरार है, जिसकी तलाश पतरासी की जा रही है और आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के यहाँ पेश किया गया है। पुलिस का कहना है कि इसके फरार साथी जितेंद्र की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। गोहलपुर पुलिस ने लेमा गार्डन गाजी नगर के पास एक युवक को अवैध रूप से डीजल बेचने का प्रयास करते हुए गिरफ्तार किया। युवक बिना नंबर की स्कूटी में डीजल से भरा कैन रखकर डीजल बेचने की फिराक में खड़ा था। आरोपी से कैन में भरा हुआ 50 लीटर डीजल और स्कूटी जब्त करते हुए मामले को विवेचना में लिया गया है। गोहलपुर पुलिस ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर गाजी नगर में रहने वाले फिरोज अहमद नामक युवक को पकड़ा गया। फिरोज स्कूटी में डीजल से भरा कैन रखकर अवैध रूप से डीजल बेचने का प्रयास कर रहा था। कैन में 50 लीटर ज्वलनशील डीजल बरामद किया गया और फिरोज अहमद के विरुद्ध ईसी एक्ट सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर उससे डीजल की खरीद फरोख्त से संबंधित जानकारी जुटाई जा रही है। एक स्कूटी में डीजल लेकर 50 लीटर की कुप्पी लेकर बिना नंबर की स्कूटी में एक व्यक्ति फिरोज अहमद नाम का जा रहा था, जिसे पुलिस ने पूछताछ कर पकड़ा है। पकड़ने के बाद डीजल को जब्त कर और गाड़ी को जब्त कर कार्रवाई की जा रही है, जिसमें ईसी एक्ट और धारा 285 के अंतर्गत अपराध दर्ज किया गया है। आरोपी फिरोज है। शहर के कोतवाली और मदन महल थाना क्षेत्रों में पुलिस ने कुख्यात सटोरियों के ठिकानों पर दबिश देकर 7 सटोरियों को गिरफ्तार किया। इन सटोरियों से 13,800 रुपए नकदी, सट्टा पट्टी और हिसाब किताब से जुड़े दस्तावेज जब्त करते हुए सटोरियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया है। क्राइम ब्रांच और कोतवाली थाने की टीम ने निवाड़गंज में नरेश ठाकुर के सट्टे के अड्डे पर छापा मारा। इस दौरान नरेश ठाकुर पुलिस को देखकर भाग खड़ा हुआ। पुलिस ने मौके से नरेश ठाकुर के 4 साथियों पीयूष चौरसिया, शुभम साहू, राहुल रैकवार और सचिन सोनी को सट्टा पट्टी, सट्टा बुक, नकदी के साथ गिरफ्तार कर प्रकरण दर्ज किया। वहीं क्राइम ब्रांच और मदन महल पुलिस की टीम ने दानव बाबा मंदिर के पास हाथीदाल निवासी राज बहादुर लोधी, गंगा सागर बर्फ फैक्ट्री के पास घमापुर निवासी सुरेश यादव और रिलायंस फ्रेश के पास कुख्यात सटोरिये लल्लू उर्फ अनिल जायसवाल को सट्टा लिखते पकड़े। सभी 7 सटोरियों से 13,700 रुपए जब्त कर कार्रवाई की गई। लल्लू उर्फ राजकुमार जायसवाल और नरेश ठाकुर, इनके व्यक्तियों के सट्टे के ठिकानों पर रेड की गई है और 13,000 रुपए तथा सट्टे की पट्टी अट्टी पर्ची अर्ची कैलकुलेटर मोबाइल इत्यादि जब्त किए गए हैं। इस पर कार्रवाई की जा रही है। अन्य जो लोग संलिप्तता पाई गई है उनकी जांच की जाकर उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाए। और आइए अब डालते हैं एक नज़र मौसम पर। मध्य प्रदेश में एक बार फिर बारिश का सिस्टम एक्टिव हो गया है। शुक्रवार को जबलपुर सहित प्रदेश के कई हिस्सों में बूंदाबांदी और बारिश हुई। मौसम में अचानक परिवर्तन देखने को मिला। इसके साथ ही कई जिलों में ओले गिरने की भी खबर है। मध्य प्रदेश में एक बार फिर बारिश का सिस्टम एक्टिव हो गया है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से आ रही नमी भरी हवाओं और उत्तर भारत में बने मजबूत और नए सिस्टम के प्रभाव से प्रदेश के कई जिलों में बारिश, ओलावृष्टि और बूंदाबांदी के साथ तेज़ हवाएं चली। जबलपुर संभाग और ज़िले में भी शुक्रवार को मौसम में अचानक बदलाव हुआ, जिसके बाद हल्की बूंदाबांदी हुई। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि आगामी 19 मार्च तक प्रदेश में मौसम बदला रहेगा। संभाग में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश और बूंदाबांदी हो सकती है। कुछ जगहों पर ओलावृष्टि के भी आसार बने हैं। जिले का अधिकतम तापमान 33.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सामान्य था। जिले में दक्षिण पश्चिम हवाएं 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है, आप देखते रहिए बीटीवी न्यूज। नगर निगम साधारण सभा की बैठक में डेढ़ दिन चर्चा हो चुकी, लेकिन एजेंडे के प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण